एक बड़ा सुंदर एक प्रसंग याद आ रहा है कि जब देवताओं में बात चली कि प्रथम पूज्य कौन होगा, तो सारे देवता दौड़ चले प्रथम पूज्य बनने के लिए। कोई मयूर पे बैठ के, कोई हाथी पे बैठ के, सबके अपने अपने वाहन है और अपने अपने वाहन पे बैठ के सब दौड़ चले। गणेश जी ने सोचा भैया हम भी चलते हैं, प्रथम पूज्य बनने की बात है, तो गणेश जी भी चूहे पे बैठ के चल पड़े। अब सारे लोग दौड़ रहे हैं कि जो इस ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा लगा के आएगा वो प्रथम पूज्य हो जाएगा। अब संयोग ऐसा हुआ कि बीच में मिल गए नारद जी, और जैसे ही बीच में नारद जी मिले तो जितने देवता थे उन्होंने कहा इनके बातों में मत आना, अपने कर्म का पालन करो, इनके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता है नहीं, इनके चक्कर में पड़ोगे तो बात में फंसा लेंगे और हम प्रथम पूज्य बनने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए किसी भी देवता ने नारद जी की ओर देखा तक चले गए। पीछे से गणेश जी आ रहे थे, गणेश जी से नारद जी ने पूछा अरे महाराज कहां चूहे पे बैठे चले जा रहे हो। गणेश जी ने देखा तो गणेश जी ने नारद जी को उतर करके प्रणाम किया, अपने वाहन से उतरे और उतर करके गणेश जी ने नारद जी को प्रणाम किया। एक बार भी मन में ये भावना नहीं आई कि अगर मैं इनके चक्कर में पड़ूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो अपने कर्म का पालन भी कर रहे हैं और समाज में एक दूसरे के प्रति सौहार्द की भावना भी है, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक व्यवहार है, इसी से समाज सुरक्षित होता है। अपने कर्म का पालन भी करें पर अपने कर्म के पालन करने में इतने भी व्यस्त ना हो जाएं कि समाज के प्रति निष्ठुर हो जाएं। इसलिए गणेश जी में दोनों भावना विद्यमान है। सच्चे अर्थों में धर्म गणेश जी के जीवन में है, इसीलिए भगवान शिव ने गणेश जी को प्रथम पूज्य घोषित किया। गणेश जी प्रथम पूज्य होंगे।